किया। बैठ से प्लीज, बैठ से आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्ताईन। मैंने आज ख़ास आप सबको इनविटेशन दिलवाया, आप अरसलान से और फुरकान से। मैं ये चाहता था कि आपसे मुलाकात हो, आपकी बातचीत भी शुरू, और मुझे अंदाज़ा है कि किन मुश्किल कंडीशंस में आपने कवरेज की ये जो 25 तारीख को हमारी मार्च थी। क्योंकि मैं देख रहा था कई चीज़ें, उधर हो रही थी जो कंटेनर नहीं देख सकता था, कंटेनर से कोई नहीं देख सकता था। लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहा कि आपने जिस जज्बे से और जिस दिलेरी से आपने कवरेज की, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आज आप सबको यहाँ बुला के खराज तहसीन पेश करूँ। अच्छा, अब आपने एक चीज़ समझ ली कि जो दौर है ना पाकिस्तान जिससे गुजर रहा है, मुल्क की जिंदगी में बड़े कम ऐसा वक्त आता है। इनको हम जो अंग्रेजी में वो एक टर्म है, डिफाइनिंग मोमेंट्स, मुल्क के लिए फैसला कौन वक्त है। जब आप नमाज पढ़ते हैं ना, तो आप अल्लाह से एक ही चीज मांगते हैं 5 वक्त की नमाज में, कि अल्लाह वो दो रास्ते जो हैं, एक उस पे लगा जिस पे नेमतें बख्शी हैं, दूसरी नहीं जो तबाही का रास्ता है। तो कौम भी लोगों की बनती है ना, तो कौम के भी दो रास्ते आ जाते हैं, एक तरफ तबाही का रास्ता है और एक तरफ अजमत का रास्ता है। और जब इस तरह के दो रास्ते आ जाते हैं, तो अल्लाह किसी को ये इजाजत ही नहीं देता कि वो कहे जी मैं न्यूट्रल हूं। कोई न्यूट्रल नहीं होता, दो रास्ते। अल्लाह अगर कहता तो तीसरा रास्ता भी बता देता, लेकिन अल्लाह ने कहा कि जब आपने फैसला करना है, एक मुल्क, एक तरफ सारे पाकिस्तान के 30 साल पुराने जो जुर्म कर रहे थे, मुजरिम थे, वो ऊपर आके बैठ गए हैं, तो आप जब उनको देखते हैं तो एक कुरान में हुक्म है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो, हक के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, तो आप उधर हैं। और ये जो आपकी स्ट्रगल है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, इसको पॉलिटिक्स ना समझ, ये जिहाद है। जब आप राय हक पे चलते हैं और हक और सच पे खड़े होते हैं, तो वो फिर जात से बाहर बात निकल जाती है। आप एक माशरे को प्रोटेक्ट करते हैं। जो शहादत होती है, वो एक इंसान माशरे के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, वो पैगंबरों के बाद उसका सबसे बड़ा रुतबा इस हमारे दीन में। तो आप जो इस स्ट्रगल के अंदर अभी शामिल हैं, और ये जो आपने सीन्स देखे, क्योंकि आपने तो कईयों ने बड़े करीब से देखा, जिस जुल्म से, बाबरियत से शेलिंग की गई अपने लोगों पे, ये हम जनरल डायर तो जो एक गुलाम कौम के ऊपर वो गोलियां चला सकता था या जुल्म कर सकता था, लेकिन अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपने लोगों पे ऐसे जुल्म नहीं करती, ये सिर्फ क्रिमिनल्स करते हैं। और यह जो आपने देखा, ये क्रिमिनल्स का काम था। मुजरिम ये सारे वो लोग हैं जिन सबको बहुत पहले जेलों में जाना चाहिए था। ये राणा सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ हैं, जब इन्होंने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया था और 80 लोगों को गोलियां लगी थी, इनको तब जेलों में जाना चाहिए था। लेकिन मसला हमारा मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला जो मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी आज से 26 साल पहले, इंसाफ की तहरीक, इंसाफ नहीं है ये। इंसाफ आपको जहाद करके लेना पड़ता है, जद्दोजहद करके लेना पड़ता है। और इंसाफ का मतलब क्या है? इंसाफ तो कमजोर को चाहिए होता है, ताकतवर को इंसाफ, वो अपने आप को कानून के ऊपर रखता है। अमेरिका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसके नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहता।
लेकिन सारे कमजोर मुल्क अपने आप को लाना चाहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अदालतें कमजोर को ताकतवर से प्रोटेक्ट करने के लिए बनती हैं। ये प्लीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ ली। इसलिए हमारे दीन में अल्लाह कुरान में इतना एम्फसाइज करता है इंसाफ के ऊपर। इब्ने खालदून जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के बाप समझे जाते हैं, एक बहुत बड़ा एक जहन था मॉडर्न हिस्ट्री का, इब्ने खालदून अपनी जिंदगी का थीसिस लिखता है। वो इब्ने खालदून कहता है कि जो जितनी मेरी स्टडी है कुरान की और इस्लाम की, तो अल्लाह ने इंसाफ को सिर्फ इंसान को दुनिया में सिर्फ एक वजह से भेजा कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। सो ये जो आप जब आप इन चोरों और लुटेरों और कातिलों के खिलाफ जब आप इनके खिलाफ खड़े होते हैं, तो याद रखें ये पॉलिटिक्स से ऊपर चली जाती है बात, या फिर अल्लाह की राय हक पे चल रहे हैं आप, वो रास्ते पे जो आप नमाज में मांगते हैं आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। और ये इस वक्त कौम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। हम इन लोगों को शिकस्त दे गए, पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। और अगर हम कामयाब ना हुए तो ये जो जंग लड़नी पड़ेगी ये फिर आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जंग ये लड़नी पड़ेगी कभी ना कभी इन चोरों के साथ। तो वो जो वो मुश्किल होती जाएगी मुल्क के लिए। और फिर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है और वो और कुरान में कई आयतें इसको सपोर्ट करती हैं कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जो ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सकी। ताकतवर चोर को नहीं पकड़ती थी, छोटे चोर को पकड़ती थी, जो रूल ऑफ लॉ नहीं कायम करती थी। ये है जंग पाकिस्तान की, इंसाफ की जंग। अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वो फिर सनाउल्लाह का फिर कोई स्टेटमेंट आई है कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, डरा रहे हैं लोगों को। खौफ जो ये क्या करते हैं, ये जो जालिम लोग होते हैं, एक चीज याद रखना, सबसे बुजदिल जालिम आदमी होता है, हमेशा जालिम बुजदिल होता है। ये जो सनाउल्लाह है और ये जो शहबाज शरीफ है जो क्राइम मिनिस्टर है, इसका याद रखें कि इसके ऊपर एक ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है। इसने 97 और 98 में जब चीफ मिनिस्टर था, इसने सबसे ज्यादा लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए थे। एक आबिद बॉक्सर है, उसने टीवी पे आके स्टेटमेंट दिया कि इसने कैसे उसके जरिए लोग मरवाए थे। तो ये वो जालिम लोग हैं, ये भी है और ये दूसरा जो सनाउल्लाह है, इसके ऊपर तो खैर अपनी इनकी पार्टी का मिनिस्टर कहता है कि इसने 22 कत्ल किए हुए हैं। तो इस तरह के चोर ऊपर आके बैठ गए, मुजरिम लोग, और इनकी कोशिश है आपको डरा दें। तो वो जो सारा किया था इन्होंने ड्रामा, वो जो पुलिस के जरिए जुल्म किया, आपने तो खैर तस्वीरें भी देखी होंगी, आपने तो खींची भी होंगी, कवर किया होगा, किस तरह इन्होंने फैमिलीज निकली हुई थी, औरतें थे, बच्चे थे, उनके ऊपर जो इन्होंने शेलिंग की। और वो छोड़े, शेलिंग तो एक तरफ है, हमें जो कलेक्शन आई है शेल्स की, वो एक ऐसे शेल्स किए थे वो सिर्फ दहशतगर्द के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों के ऊपर इन्होंने इस्तेमाल किया। क्या इनकी कोशिश है कि किसी तरह पब्लिक डर के सहम के बैठ जाए, ताकि ये चोर फिर से जो 30 साल ये दो खानदान हुकूमत करते रहे। याद रखे पाकिस्तान के 62 सालों के अंदर 30 साल फौज ने हुकूमत की है और 30 साल इन दो खानदानों ने किया। अब ये फिर आ गए हैं और इनकी कोशिश यह है कि आपको डरा धमका के और फिर ऊपर बैठ जाए। तो एक मैं जब आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि ये बड़ा एक अजीम नारा था जिसके ऊपर ये मुल्क बना था, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान को वोट दी थी पता होते हुए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो जो नारा था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप याद रखें वो सिर्फ ये नहीं कि आप मिट्टी के बुत की पूजा ना करें, ये सब बुत है, ये खौफ का बुत सबसे बड़ा बुत है, पैसे का बुत है कि जी, और खौफ के बुत की भी कि जी मुझे मैं जलील ना हो जाऊं, मुझे कोई मार ना दे, मुझे कोई मेरी रिस्क ना ले ले, मेरी नौकरी ना चली जाए,
इसीलिए अल्लाह ने ये तीन चीजें अपने हाथ में रखी हैं, जिंदगी मौत भी उसके हाथ में है, इज्जत जदल भी और रिस्पेक्ट, इसलिए उसने रखी है कि आपके खौफ दूर करने के लिए। और कुरान की आयत है, जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। खौफ दूर करके ही एक इंसान बड़ा इंसान बनता है। किसी ने दुनिया में बड़ा काम नहीं किया जिसने अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाया, किसी ने नहीं किया। आज तक मैं कोई खिलाड़ी, इतनी देर में क्रिकेट खेलता था, मैंने कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं देखा जो गेंद लगने से डरता था, जो हारने से डरता था, मार्क बॉलर मार्क, कभी कोई उसने बड़ा काम नहीं किया, अब ऊपर नहीं गया। तो इसलिए ये याद रखें कि ये जो कौमें गुलाम होती हैं, 4000 अंग्रेजों ने 40 करोड़ हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी, 4000 अंग्रेज थे, खौफ के ऊपर लोग डरे हुए डरते थे कि जी कि उनके उनका खौफ इतना था, और वो भी इसी तरह पुलिस का इस्तेमाल करते थे। जो जनरल डायर ने गोलियां मारी थी लोगों को जलियांवाला बाग में, बड़ा फेमस है, तो वो खौफ तारी करने के, अपने मुल्क में कभी उनकी जरूरत एक आदमी को गोली मारने की नहीं थी, इंक्वायरी हो जानी थी, लेकिन क्योंकि गुलाम थे तो उन्होंने सबके सामने जो कत्लेआम की पता नहीं 150 लोगों गोलियां मार के उसने जो किया, वो खौफ तारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप चाहता हूं कि एक चीज से निकल जाए बाहर। जिस तरह मैं इसको जहाद समझ कर लड़ता हूं, मैं मुझे कोई किसी चीज का खौफ नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये हमारे मुल्क के लिए आने वाली हम अपनी नस्लों की जंग लड़ना है। आपने भी उसी स्पिरिट से इस पे आना है, क्योंकि आपको इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। और ये याद रखेंगे, बड़े मैं फिर से बताता हूं, इनसे बुजदिल लोग कोई नहीं है, ये जब इनके सामने कोई खड़ा हो जाता है ये सारे भाग जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस लगा हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट से पहले पूरी उनसे प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। अब सुप्रीम कोर्ट से ये बेसिक सवाल है, और क्या इस तरह के मुजरिमों को आप इजाजत दे सकते हैं कि ये आप औरतें बच्चे देखें और उनके ऊपर शेलिंग करें, और पता नहीं 35,000 शेल मारे इन्होंने, लोगों के घरों में घुस गए रात को, उनकी औरतें ना चादर दवारी की परवाह, जो इन्होंने हरकतें की हैं पंजाब के अंदर, और जो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया। तो हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं, और उसके बाद जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूँगा, फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह। और इस बारी बहुत बेहतर प्लानिंग होगी, इस बारी हमारी प्लानिंग कोई ठीक नहीं थी, वो प्लानिंग इसलिए ठीक नहीं थी कि हम इस गलत फहमी में पड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कोई रूलिंग दी थी, तो हमने समझा कि अब रास्ते साफ हो जाएंगे, और हमने समझा कि रास्ते भी साफ हो जाएंगे और ये छोड़ भी देंगे सबको। हमें क्या पता था कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, तो इसलिए इस बार इंशाल्लाह हम तैयारी करके जाएंगे, और अब जो हमने गलतियाँ की वो आप नहीं देखेंगे। तो मैंने सिर्फ आज आप सबको बुलाया इसलिए था कि मुझे पता है आपने क्या क्या सीन्स देखे, मुझे पता है कई मैं देख रहा हूँ कोई इंजर भी हुए हैं इसमें, इनको चोटें भी लगी हैं और इंजरीज भी हुई हैं, जख्मी हुए हैं। तो मैंने आपको बस इसलिए सिर्फ आज कहा था कि आप यहाँ आएँ, और मैं अपने मुल्क की तरफ से, अपनी कौम की तरफ से आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ।